आंध्रप्रदेश गस्तरे प्रधानमंत्री। महान स्वाधीनता संग्रामी अल्लूरी सीताराम राजूंक 125तम जन्मतिथिर उद्घाटन। 30 फुट उच्चर प्रतिमूर्तिर उन्मोचन कले प्रधानमंत्री। राष्ट्र निर्माण रे आदिवासी समाज रो योगदान देशकु गौरवान्वित करिछि। सोमवार आंध्रप्रदेश रो भीमाभरम ठारे महान स्वाधीनता संग्रामी अल्लूरी सीताराम राजूंक 125तम जन्मतिथिर उद्घाटन करिबा सहित एही अवसर रे तांकर कांस्यरे निर्मित होइतिबा 30 फुट उच्चर प्रतिमूर्तिर उन्मोचन मध्य करिछन्ति प्रधानमंत्री। यहाँ सह स्वाधीनता संग्राम समय होइतिबा रंपा विद्रोहर 100 वर्ष पूर्ति समारोह मध्य उद्घाटन करिछन्ति प्रधानमंत्री। 1922 रे इंग्रेज को विरुद्ध रे होइतिबा रंपा विद्रोहर सीताराम राजू नेतृत्व नेइथिले। आज एक और देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। स्वाधीनता संग्रामी केवल गोटी स्थान बा राज्य नुहे बरं पूरा देशर एकतार प्रतीक। देशर स्वाधीनता संग्राम रे सीताराम राजू और दक्षिण भारतर अनेक स्वाधीनता सेनानींकर उल्लेखनीय अवदान रहिछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। सीताराम राजूंक संग्राम और देश पई तांकर बलिदान वर्तमान और भविष्यतर पीढ़ी पई प्रेरणादायी। मैं आंध्र की इस धरती की महान आदिवासी परंपरा को, इस परंपरा से जन्मे सभी महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। देशर स्थिति रे अभूतपूर्व परिवर्तन घटुचि। नुआ भारतर गरीब श्रेणी पई समान अधिकार एवं समान सुजोग देबा पई केंद्र सरकार विभिन्न योजना प्रस्तुत करछन्ति। आगकु नूतन संभावनार जन्म हेउचि। युवक माने कर्तव्य बोध सहित आगकु बढ़िबा उचित बोली संबोधन रे कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी। सीताराम राजू गारू ने जब क्रांति का बिगुल फूका था तो उनका जय घोष था, मनदे राज्यम, यानी हमारा राज्य। वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत एक राष्ट्र के रूप में हमारे प्रयासों का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री का सह आंध्र प्रदेश रा राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, केंद्र पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री एस जगनमोहन रेड्डी एवं अन्य माने उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।